सो दिन की शुरुआत हो चुकी है मेरे गरम गरम पानी से। गरम पानी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। बाय द वे, गरम पानी इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर योर बॉडी, एंड मॉर्निंग के टाइम पे पिए तो और भी मज़ा आ जाता है। हेलो जी, वेलकम बैक टू दी फिल्मी व्लॉग। सो मैं आ गई हूँ एक्साइटिंग व्लॉग के साथ। तो पहले तो फजर की नमाज़ ऑफर कर लिया, उसके बाद गर्म पानी, फिर मामा ने मुझे थोड़ा काम दिया था कि आटा भिगाने का, विच इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर मी बिकॉज ये आटा भिगाने में पूरा हाथ दर्द हो जाता। तुम्हें क्या लगता है, आटा भिगाना इज़ अ इजी टास्क? इट्स इजी बट पीपल इसे बहुत हार्ड समझते हैं, जस्ट लाइक मी। मुझे तो बहुत फन आता है आटा भिगाने में। तो आपने क्यों नहीं भिगाया फिर मामा जब कह रही थी मुझसे? तो मैंने सोचा मामा ने आपको क्या है, चले आपको भी कुछ काम करने देते हैं, इसलिए मैंने पीछे हट गया। तो हमने यहाँ पर सोचा कि हम सब्जी में क्या पकाए, तो हमारे पास फेवरेट थी हमारी लेडी फिंगर, और ये भी मैं ही कट कर रही थी गाइज। और कट करते देखो अब क्या हुआ मेरे साथ, कट करते अपना हाथ ही कट कर दी गाइज, क्योंकि ये नाइफ बहुत ही मतलब तेज थी गाइज, जिप जिप कट भी नहीं हो रहा था। और ये भिंडी भी बहुत ही सख्त थी। आई डोंट लाइक भिंडी। आई डोंट लाइक यू, शट अप। एंड देखो फिर यहाँ पर जल्दी जल्दी मैंने फुल स्पीड के साथ, 2x की स्पीड के साथ जल्दी जल्दी भिंडी कट कर दिया था। वैसे आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोग सुबह में क्या नाश्ता करते हैं, हैवी करते हैं या फिर लाइट? हमारा कभी हैवी हो जाता है कभी लाइट। लाइट तो हमारा बिल्कुल होता ही नहीं है। हमें नाश्ते में सात पूरी पसंद, इडली पसंद, साउथ इंडियन फूड पसंद, और लखमे भी आती है देखिए, अंडे की, आलू की, वो ये पसंद। और मुझे तो लखमे बहुत ही पसंद है, लखमे खाना और बनाना मुझे दोनों भी बहुत ही पसंद है। और हम ऐसे लोग हैं जो वॉक पर जाने के आने के बाद ही हैवी नाश्ता करते हैं। वैसे तो तुम ही करती हो क्योंकि ये तुम्हारा ही आइडिया रहता है हमेशा। तो चलो यहाँ पर हो रही है लंच की प्रिपरेशन। तो मामा ने मुझे कहा था कि तुम चावल चढ़ा दो, और यहाँ पर मेरी बहन पका रही थी भाजी। ये मैं नहीं हूँ, बहन नहीं पका रहे थे, बड़ी बहन सो रहे थे, ये मामा है। अच्छा, ये मामा पका रही थी भाजी। वैसे इतनी टेस्टी बनी तो नहीं थी ये भाजी। नहीं, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनी थी, और ये बहुत ही अच्छी बेनिफिशियल भी है। क्यों गाइस? तो मुझे तो बिल्कुल नहीं, ये पसंद पालक नहीं। की भाजी है शायद, आई थिंक सो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ऐसे भाजियाँ। और देखो फिर यहाँ पर भिंडी भी हमारी रेडी हो चुकी थी, जो कि मैंने कट करी थी, और टेस्टी ना बने ऐसे तो हो ही नहीं सकता। और आप लोगों को वीडियो क्वालिटी देख के पसंद आ गई थी, पता चल गया होगा कि यहाँ पर लाइट गई हुई थी, मतलब बहुत तेज बारिश पड़ रही थी और हवाएं इतनी अच्छी चल रहे थे ना, तो देखिए गरम गरम रोटी और वो खाने का मजा ही कुछ और था। लेकिन गाइस गर्मी भी बहुत ही हो रही थी, लाइट भी चले गई थी। और देखो फिर यहाँ पर मेरी एल्डर सिस्टर उनका काम करते हुए, और यहाँ पर ये कुछ डाइट शाइट बना रही है। वैसे मुझे कमेंट में तो कराओ अगर आप डाइट फॉलो करते हैं या फिर नहीं। भाई हम तो नहीं करते, हमारे से वो डाइट फॉलो नहीं होता। और ये पूरा लिख रही थी इसमें कितने कैलोरीज है, विटामिन है, ओ माई गॉड ये भी कितना कनता है गाइस, वो पूरा इसका रेशियो निकाल रहे थे। तो भाई जी घर में एक न्यूट्रिशनिस्ट हो और आपको हेल्दी खाने को ना मिले, खाने को नहीं वैसे पीने को, तो उन्होंने मेरी बहन को लगा दिया था काम पे, जो कि उनका काम था जूस बनाने का, ये कैरेट का और एज वेल एज बीटरूट। हाँ गाइस, कैरेट तो मैंने खाने के लिए रखा था, मैं उसका जूस नहीं बना रही थी, चॉप्स मोए मोए। और देखिए मैं यहाँ पर बीटरूट ही कट कर रही थी, माशाल्लाह। चलो बीटरूट तो कट हो गया था। और चलो गाइस थोड़े कुछ बात करते हैं जब तक हमारा जूस भी तैयार हो जाएगा। वैसे वेकेशन चल रहा है, घर में इतनी धूम धड़ाक हो रही है, आप लोगों को तो पता ही होगा घर में कजन्स रहते हैं, कितना लड़ते हैं। मेरे वैसे ही दो भाइयाँ, आई मीन टू से, इतने लड़ते हैं ना, मामा को पूरा दिन दम कर देते हैं। और मामा मेरे भाई नहीं, सिर्फ आप भी बहुत ही दम करती है मामा से मुझसे लड़कर, गाइस ये भी मुझसे बहुत ही लड़ती है। और बाय द वे हमारे तो हॉलीडेज चल रहे हैं, लेकिन एल्डर सिस्टर के डिग्री कॉलेजेस अभी भी ओपन है और वो रेगुलर जा रही है, और वो आते ही बहुत ही थक गई थी, उसे बहुत ही प्यास भी लग रही थी, बाहर बहुत ही धूप है। क्यों इतना मगजमारी करना? तो देखो गाइस यहाँ पर बन रहा है बूंदी के लड्डू, मोतीचूर का लड्डू, आई थिंक सो राइट, मुझे नहीं पता है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है मुझे भी नहीं पता है, खारी बूंदी तो बना दो तुम, लेकिन मिट्टी ना बनाए कुछ भी। यहाँ पर रंग है और वहाँ पर बूंदी की प्रिपरेशन हो रही है, तो इसका मतलब ये बना रही है मोतीचूर का लड्डू, जो की मेरे को नहीं पसंद है। सो ये समथिंग कुछ ऐसा आ रहा है, खेल का छीटा उछला जरा आराम से। वैसे गाइस कुछ भी बोलो, मेरी बड़ी बहन को एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत ही पसंद है, और वो हम पर ही ट्राई करती है पता नहीं क्यों। और अगर इसका जवाब फूड पर ट्राई करती है, और इसका अगर जवाब चाहिए तो आप उनके प्लीज कमेंट सेक्शन भर दीजिए उनके चैनल पर जाकर। और इसी के साथ ये व्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।